हेलो दोस्तों, लोन ऐप गाइड में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आप क्रेडिट कार्ड की वैल्यू तो जानते ही हो। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आपको मिलते हैं बेनिफिट्स, ऑफर्स और डिस्काउंट। आप कोई भी ऑनलाइन या ऑफलाइन शॉपिंग करते हो तो आपको उस पर अच्छे खासे डिस्काउंट मिल जाते हैं। और दोस्तों, अगर आपके पास रुपए क्रेडिट कार्ड है तो आपके डिस्काउंट और बेनिफिट और ज़्यादा हो जाते हैं। रुपए क्रेडिट कार्ड से आप यूपीआई पेमेंट का बेनिफिट भी ले सकते हो। और अभी हाल ही में बैंक और क्रेडिट कार्ड कंपनी सबसे ज़्यादा रुपए क्रेडिट कार्ड इशू कर रहे हैं। अगर आपके पास पहले से कोई मास्टर या वीज़ा क्रेडिट कार्ड है तो उसे भी आप बहुत ही आसानी से रुपए क्रेडिट कार्ड में कन्वर्ट करवा सकते हो। और बैंक भी अपनी तरफ से अप्रूव्ड ऑफर दे रहा है। अगर आपके पास पहले से ही कोई क्रेडिट कार्ड है तो आपको रुपए क्रेडिट कार्ड का प्री अप्रूव्ड ऑफर भी मिल रहा है। बैंक अपनी तरफ से भी प्री अप्रूव्ड ऑफर दे रहा है। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको SBI बैंक के रुपए क्रेडिट कार्ड के बारे में बताऊंगा, यह क्रेडिट कार्ड कैसे आपको मिलेगा और क्या आपको इस क्रेडिट कार्ड के लिए कोई चार्जेज या फीस देने पड़ेंगे, और इस क्रेडिट कार्ड पर आपको लिमिट ज्यादा मिलेगी या सेम लिमिट रहेगी, कैसे आप इसका यूज कर सकते हो, पूरी डिटेल के बारे में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, अब देरी न करते हुए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम फीस और चार्जेज की। अगर आपके पास भी SBI बैंक की तरफ से रुपए क्रेडिट कार्ड का प्री अप्रूव्ड ऑफर आया है या आप उसके लिए या आप उसको कन्वर्ट करवाना चाहते हो तो इसके लिए आपको फीस पे करनी पड़ती है, जो आपकी है 499 रुपीज प्लस टैक्सीज। और दोस्तों, अगर बात करें ICICI बैंक की और कोटक बैंक की तो ये अपने कस्टमर से कोई भी चार्जेज नहीं ले रहे हैं, ये बिल्कुल फ्री प्री अप्रूव्ड ऑफर में रुपए क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं। और दोस्तों, अगर बात करें इस क्रेडिट कार्ड के लिमिट की, आपको जो क्रेडिट कार्ड प्री अप्रूव्ड ऑफर में मिलेगा उसकी लिमिट भी आपको अलग से मिलेगी, और साथ ही फिजिकली क्रेडिट कार्ड भी आपको अलग से मिलेगा। आपके पास फिर दो क्रेडिट कार्ड हो जाएंगे और उनकी लिमिट भी आपकी अलग अलग रहेगी। जैसे पहले आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट है 50,000 रुपये, फिर आपको रुपए क्रेडिट कार्ड मिल गया उसकी लिमिट भी होगी 50,000 रुपये, और फिर दोनों को मिलाकर आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट हो जाती है 1,00,000 रुपये, यानी कि आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट फिर डबल हो जाती है, और फिर आप दोनों क्रेडिट कार्ड की लिमिट को अलग अलग से यूज कर सकते हो। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं यह क्रेडिट कार्ड किस किस को मिलेगा। दोस्तों, अगर आपके पास SBI बैंक के पहले से ही 3 क्रेडिट कार्ड है तो फिर आपको यह क्रेडिट कार्ड नहीं मिल सकता है। तो अगर आप रुपए क्रेडिट कार्ड के लिए रिक्वेस्ट डालते हो तो आपको यह क्रेडिट कार्ड नहीं मिलने वाला है, और ना ही बैंक की तरफ से कोई प्री अप्रूव्ड ऑफर आपको मिलने वाला है। आपके पास पहले से 3 क्रेडिट कार्ड कौन से भी हो, चाहे रुपए वेरियंट में हो या नॉन रुपए वेरियंट में हो, लेकिन आपको चौथा क्रेडिट कार्ड नहीं मिलने वाला है। SBI बैंक का यह रूल है कि वह अपने कस्टमर को सिर्फ 3 ही क्रेडिट कार्ड इशू करता है, चौथा क्रेडिट कार्ड इशू नहीं करता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास पहले से ही 3 क्रेडिट कार्ड है तो फिर आपको यह क्रेडिट कार्ड नहीं मिलने वाला है। और दोस्तों, यह रुपए क्रेडिट कार्ड आपको आपके क्रेडिट हिस्ट्री के बेस पर प्रोवाइड किया जाता है। अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी है, यानी कि अगर आप पहले से कोई क्रेडिट कार्ड यूज करते हो तो आप उसके बिल की पेमेंट टाइम से करते हो, लेट पेमेंट नहीं करते हो, अपने क्रेडिट कार्ड को अच्छी तरह से मेंटेन रखते हो, समय समय पर पेमेंट करते हो, तो यह क्रेडिट कार्ड आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। जो आपको SBI का रुपए क्रेडिट कार्ड है बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। और दोस्तों, जिन SBI क्रेडिट कार्ड यूजर्स की लिमिट कम है, यानी कि क्रेडिट कार्ड की लिमिट पहले से ही कम है, यानी कि 20,000 से 30,000 रुपये के बीच है, तो उनको भी यह क्रेडिट कार्ड का प्री अप्रूव्ड ऑफर नहीं मिल रहा है। जिनकी लिमिट 80,000 रुपये से ज़्यादा है उनको यह क्रेडिट कार्ड प्री अप्रूव्ड ऑफर में मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, ये था SBI बैंक के रुपए क्रेडिट कार्ड का डिटेल, कैसे आपको यह मिलने वाला और क्या क्या फीस और चार्जेस पे करने पड़ेंगे। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि वीडियो में दी जानकारी आपके काम आएगी, वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। और दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को प्यारा सा लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए थे तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, जिससे कि हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी जरूर कर लेना।